राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुरानी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आदिल दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो राखी सावंत किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। अब उसने अपने पति आदिल खान दुरानी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद आदिल को ओशिवरा पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया और पुलिस ने राखी सावंत की शिकायत पर उसके पति आदिल खान दुरानी को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राखी को हाल ही में मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए देखा गया था। खबर के मुताबिक FIR दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने आदिल को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया है, अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल हिरासत में भेज दिया गया है। इन तमाम बातों पर राखी सावंत के वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने क्या कहा है, सुनते हैं। आर्ग्यूमेंट के वक्त पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी, हमने भी बहस की कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत क्यों है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनको जेल कस्टडी दी है। तब जेल कस्टडी हो गई तो मतलब पुलिस इंटरोगेशन नहीं कर पाएगी। अब आगे चल के जब वो बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तब हम लोग उस तरह से फिर जो भी प्रोसीजर्स करने हम करेंगे। अभी मैं राखी से बात करूंगी, उसका कंसेंट लेके अगर वो कहेगी इस ऑर्डर को चैलेंज करना है तो हम इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। राखी सावंत ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिसमें सारे जो भी आरोप है गंभीर आरोप है और काफी कुछ एविडेंसेस है, और उस बेसिस पे कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना जरूरी था। खैर वो नहीं हुआ तो उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन हम अभी उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। गंभीर आरोप है, बहुत सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी रह गई है जो नहीं हो पाई है, तो आगे की कार्रवाई। आदिल ने भी कहा था कि मैं राखी सावंत रहना चाहता हूं। नहीं, ये तो ऐसे ही अपने आप को बचाने के लिए कहा है। अगर आदिल राखी सावंत के साथ रहना चाहते तो वो उस तरह की एफर्ट्स करते हैं। राखी सामने से बहुत बार उनको बुला चुकी थी, बैठ के बात करने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको बार बार असॉल्ट किया, ब्लैकमेलिंग की, उनको मानसिक और शारीरिक तकलीफ पहुंचाई, और जब सारी बातें हाथ से निकल गई तब जाके राखी ने FIR की।